हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जो तीन पिछला मोशन पढ़े हैं उन तीनों मोशन को पहले समझ लेते हैं। तो पहला हम लोग पढ़े थे स्ट्रीम लाइन मोशन, दूसरा पढ़े थे हम लोग टर्बुलेंट मोशन। टर्बुलेंट मोशन और स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है, पहले हल्का सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो मेरे पिछले वीडियो में होंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है, जब देखिए स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट मोशन दोनों को समझने के लिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रीमलाइन का एग्जाम्पल, जो नल से पानी गिरता है वो स्ट्रीमलाइन मोशन हो जाएगा, ठीक है। नल से जो पानी गिरेगा वो आपका स्ट्रीमलाइन होगा, क्योंकि नल का जो पानी होता है हमेशा स्ट्रीमलाइन में ही अपनों को देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका जो वाटर है आपको इस तरह स्ट्रीमलाइन में सीधा देखने को मिलेगा। लेकिन टर्बुलेंट मोशन में क्या होता है, आपका टर्बुलेंट मोशन में आपका कोई भी आपका फिक्स वेलोसिटी और डायरेक्शन आपका नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी और डायरेक्शन, स्ट्रीमलाइन में वेलोसिटी और डायरेक्शन जो होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। और यहाँ पर जो होगा वो डायरेक्शन और उसका वेलोसिटी वो होगा डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट डायरेक्शन होगा टर्बुलेंट मोशन में। खैर इतना हम लोग दूर नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ बेसिक के लिए हम लोग दोनों को समझ लिए हैं। जो मेरे पिछले वीडियो में होगा इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसी चीज़ से रिलेटेड है, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट लाइन से, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीमलाइन और ये आपका टर्बुलेंट मोशन और आपका जो ये बीच का एवरेज वेलोसिटी। देखिए जब एक एवरेज वेलोसिटी से कम होगा तो आपको स्ट्रीमलाइन मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जब एवरेज वेलोसिटी से ऊपर चला जाएगा तो आपको टर्बुलेंट मोशन देखने को मिलेगा। कब, एक ट्यूब लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है, एक ट्यूब लिए हैं। उस ट्यूब में जब एवरेज वेलोसिटी से लोअर रहेगा, है ना, एवरेज वेलोसिटी से लोअर रहेगा तो आपको स्ट्रीमलाइन इसमें देखने को मिलेगा। और एक जब एवरेज वेलोसिटी से बाहर की ओर चला जाए, एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी इस ट्यूब में हो जाए तो आपको टर्बुलेंट मोशन देखने को मिलेगा। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट मोशन में क्या फ़र्क है कि सिर्फ उसका डायरेक्शन और जो वेलोसिटी है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सेम रहेगा और इसमें आपका चेंज कर जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी, इसका एवरेज जितना वेलोसिटी उसमें जाना चाहिए था, जितना एवरेज वेलोसिटी था उससे वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। तो उस वेलोसिटी को कहेंगे क्या हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। देखिए ये बॉर्डर है बीच का, अगर इससे कम रहा तो स्ट्रीमलाइन, इससे ज़्यादा रहा तो टर्बुलेंट मोशन, या फिर स्ट्रीमलाइन मोशन या टर्बुलेंट लाइन टर्बुलेंट मोशन बोलेंगे, ठीक है। ये बीच का बॉर्डर है, है ना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि उस बीच का बॉर्डर, देखिए एवरेज वेलोसिटी, इसके बीच का बॉर्डर अगर कम हुआ तो स्ट्रीमलाइन, एवरेज वेलोसिटी से कम हुआ तो स्ट्रीमलाइन, और अगर एवरेज वेलोसिटी से बढ़ गया वेलोसिटी तो आपको टर्बुलेंट मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, देखिए क्रिटिकल कंडीशन आप लोग डॉक्टर को कहते हुए सुने होंगे कि एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, यह मरीज बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। मतलब क्या बोल रहा है कि उसका दो कंडीशन है, एक बच सकता है एक नहीं भी बच सकता है। तो क्या हुआ, जब इससे कम होगा तो आपका स्ट्रीमलाइन देखने को मिलेगा, इससे बढ़ जाएगा तो आपका टर्बुलेंट लाइन देखने को मिलेगा, है ना। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि इसका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इस ट्यूब का देखिए एवरेज वेलोसिटी, अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो वी सी, ये क्या हो गया, वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी, आर ई इंटू ईटा रो आर, इन चारों चीज़ को समझेंगे, ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला, है ना। इन सबको समझेंगे, पहले इसका डिफिनेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको इस फॉर्मूले को समझेंगे कि आर ई क्या है, ईटा क्या है, रो क्या है और आर क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पहले डिफिनेशन इसका हम लोग लिख लेते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लेना है साथ में और लिखते भी चलना है, ठीक है। बेसिक नॉलेज के लिए इतना आप लोग के लिए काफ़ी है ना, कि क्रिटिकल वेलोसिटी, देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी याद रखने का आपको सबसे इजी तरीका, क्रिटिकल मतलब क्या होता है, रेयर कंडीशन,
या तो जिंदा रह सकता है इंसान या तो मर सकता है, डॉक्टर आप लोग बोलते होंगे कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। तो उसमें क्या हो गया कि इंसान बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है, दो कंडीशन आ रहा है। तो इसमें आपका दो कंडीशन, एक स्ट्रीम लाइन और एक टर्बुलेंट मोशन, ठीक है, दोनों आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब आप लोग इसका डिफिनेशन लिख लोगे, है ना। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, द क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी The critical velocity of a liquid is defined as, ठीक है, the limiting value of average, the limiting value of एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एबव विच द मोशन ऑफ, एबव विच द मोशन ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट, लिक्विड इज टर्बुलेंट एंड बिलो विच द मोशन, विच द मोशन इज स्ट्रीम लाइन, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा क्रिटिकल वेलोसिटी का, आपका आर ई ईटा बाय रो आर, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से घेर दोगे, सबको आपको समझ में आने वाला है, आप लोग सिर्फ डिफिनेशन लिख लो, उसके बाद मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आप लोग, है ना। चलिए तो यहाँ पर वेयर, यहाँ पर स्पेस नहीं है, साइड में मैं लिखता हूँ, वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। ईटा क्या हो जाएगा, देखिए ये ईटा है ना, याद रखोगे नाम आप लोग, अगर नहीं आता है तो साइड में आप लोग लिख लोगे ईटा। ईटा क्या होगा, ईटा आपका हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ से आपका बच गया आर ई, रेयॉन नंबर, रेयॉन्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया आपका रो, रो सभी को जानते हैं आप लोग क्या होता है, रो रो का मतलब आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ the fluids, और आपका r क्या हो गया रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, उसके बाद अब हम लोग समझेंगे, जो बच्चे नहीं लिखेंगे वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, है ना। चलिए क्रिटिकल वेलोसिटी, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज, हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी अबव विच द मोशन ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट एंड बिलो विच द मोशन इज स्ट्रीमलाइन। इसका मतलब क्या बोला गया कि जो लिमिटिंग वैल्यू होगा उस वैल्यू से उसका वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगा तो आप लोगों को टर्बुलेंट मोशन देखने को मिलेगा, लिमिटिंग वैल्यू से वैल्यू बढ़ जाए, जब लिमिटिंग वैल्यू से जाए या फिर लिमिटिंग वेलोसिटी से आपका वैल्यू बढ़ जाए तो आपको टर्बुलेंट देखने को मिलेगा, टर्बुलेंट मोशन एंड बिलो विच द मोशन इज स्ट्रीमलाइन,
जब उससे कम हो जाए तो आपको स्ट्रीमलाइन देखने को मिलेगा। उसका फॉर्मूला वी सी इक्वल टू आर ई ईटा बाय रो आर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो वेयर वी सी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, ईटा इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, आर ई रेयॉन नंबर्स, जिसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल से इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये पहले टॉपिक आ गया तो पहले इसको मैंने बता दिया, इसके बाद रेयॉन्स नंबर का हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग को बहुत ही जल्द उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर भी करोगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। अब यहाँ पर रो, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ ट्यूब। बहुत बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि फिगर क्यों नहीं बनाए, तो फिगर आप लोग चाहोगे तो एक ट्यूब का फिगर बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, ठीक है। उस ट्यूब में आप लोग दिखा सकते हो, रेडियस दिखा सकते हो, ईटा दिखा सकते हो, आप लोग बना सकते हो चाहोगे तो। ऐसा कोई फिगर का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, बस मैंने समझाने के लिए आप लोग को उस फिगर का यहाँ पर यहाँ फिगर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्रिटिकल वेलोसिटी किसको कहते हैं, तो वह एवरेज वेलोसिटी जिससे अगर वेलोसिटी बिलो हो जाए तो स्ट्रीमलाइन देखने को मिलेगा, अगर एवरेज वेलोसिटी से अगर हाईएस्ट आ जाए, उससे ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप लोग को टर्बुलेंट मोशन देखने को मिलेगा किसी ट्यूब के अंदर। ये हो गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। ये था आपका क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है आज तक, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सब आप लोग को जो डेली लाइफ में आप लोग देखते हो उससे रिलेटेड ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का वीडियोस मैंने और भी बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चल जाते हो, लाइक कमेंट शेयर कुछ भी नहीं करते हो, कम से कम आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो और है जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग अच्छे मार्क्स ला सके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो अपने अंडर में ऐसे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊँ जिससे वो फिजिक्स में खास करके रिसर्च सेंटर पर अपना योगदान दे सके, है ना। बहुत अभी का जैसा माहौल है, सभी पास होना चाहते हैं, कोई बच्चा पढ़ता है तो एक इतना ही लेवल हाई लेवल में चल जाता है, और कोई बच्चा पढ़ता है तो वो बहुत ही मीडियम में रह जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आजकल का जितना भी मैं खुद जहाँ भी पढ़ा हूँ वहाँ पर आप लोग को देखने को हम लोग को देखने को मिला कि कोई खास नहीं, टीचर को 1.5 लाख 2 लाख रुपये सैलरी दे करके, मास्टर्स में खास करके मैंने देखा कि इतना पेमेंट मिलने के बाद भी टीचर आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो अपना सिर्फ टाइम पास करके जो थोड़ा बहुत बता दिए हो गया। अभी तो ज़माना आ गया पीडीएफ का, पीडीएफ आप लोगों को भेज देते हैं, आप लोग कॉपी कर लेते हो, उससे से गलत सही जो भी हुआ उसको छाप करके आप लोग एग्ज़ाम देते हो, पास हो जाते हो, आप लोग भी खुश रहते हो, टीचर्स भी खुश रहते हैं, ठीक है। टीचर को तो जो पेमेंट मिल रहा है वो मिल ही रहा है, आप लोगों को नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग तो मार्क्स मिल ही रहा है, पास तो हो ही जा रहे हो, लेकिन इस मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है फ्यूचर में। कभी भी आप लोग को जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लोग कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हो। डिग्री तो सिर्फ एक कागज़ है, लगभग यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को एक कागज़ का टुकड़ा मिला जा रहा है, वो डिग्री नहीं है, सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है। वो कागज़ का टुकड़ा आपको कहीं काम नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक नॉलेज अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ के पढ़ना है और बेहतर तरीके से पढ़ना है, बुक्स पढ़िए, जितना बुक पढ़िएगा उतना आप लोगों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।